जी शुरू कर दीजिए, शुरू कर दिए सर, चाहे बाद में लगा लीजिए। ठीक सर, एक एक मिनट, एक मिनट दूर चल। थोड़ा सा कुर्सी को और चलना, उनको दिक्कत है। शुरू करो। सर पहली बार विश्वविद्यालय का सर कुलपति बने, सर इस मौके पर सर क्या कहें? देखिए सर, प्रथम तो मैं आप सबों का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं, और यह अवसर मुझे मिला और आप लोग मेरे यहां आए, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत संपूर्ण विश्वविद्यालय परिवार की ओर से। सर्वप्रथम मैं इसी धरती का छात्र हूं, इसी यहीं पर मैं शिक्षक भी था, यहीं पर मैं प्रधानाचार्य के रूप में भी रहा, और इस विश्वविद्यालय की सेवा में पूर्व से ही विभिन्न पदों पर रहकर दायित्व का बखूबी निर्वहन किया, ईमानदारी पूर्वक निर्वहन किया, मेहनत के साथ निर्वहन किया, तो और आज उसका परिणाम है कि आज इस मुकाम पर आप लोगों की शुभकामना से पहुंचा हूं। मैं तो पहले सर्वप्रथम मैं इस मिट्टी को नमन करता हूं, इस मिट्टी का वंदन करता हूं, इस मिट्टी का अभिनंदन करता हूं, जिसके कृपा प्रसाद से यह मुझे प्राप्त हुआ। हमारे महामना माननीय कुलाधिपति महोदय का मैं हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं कि जिन्होंने मुझ पर विश्वास करके यह दायित्व सौंपा है। मैं पुनः बिहार सरकार के प्रति भी दायित्व बोध से ग्रसित हूं कि उनका विश्वास मेरे ऊपर हुआ है। मैं सर्वप्रथम यह प्रयास करूंगा मैं उस विश्वास पर खरा उतरूं। सबसे बड़ी बात, हमारी इस आम जनों मधेपुरा की जनता, कोसी प्रमंडल की जनता, हमारे छात्र, हमारे शिक्षक सबों को बहुत उम्मीद है। मैं दो तीन दिन से मुझे इतना टेलीफोन आया कि सर आप ऐसे करिएगा, ऐसे करिएगा, सबों का लगता है कि हृदय से को मेरे ऊपर विश्वास है। मैं सर्वप्रथम उस विश्वास पर खरा उतरने का प्रयास करूंगा। और इसी कड़ी में मैं मेरे कोसी प्रमंडल के अंतर्गत शैक्षिक विकास के साथ साथ जो यहाँ के जन समुदाय में, अभिभावक में, छात्रों में, शिक्षकों में जो भावना है, जो शैक्षिक ललक और तमन्ना है, उसको मैं पूरा करने का भरसक प्रयास करूंगा, उसके प्रति मैं समर्पित होकर काम करूंगा। साथ ही मुझे यह सौभाग्य प्राप्त हुआ विश्वविद्यालय का मैं सर्वांगीण विकास करने का निष्ठापूर्वक दायित्व का निर्वहन करूंगा। विश्वविद्यालय की हमारी सबसे पहली प्राथमिकता यह है कि मैं
दिन रात अर्निश इस विश्वविद्यालय के प्रति समर्पित होकर इसके विकास की किरण को मैं संपूर्ण राष्ट्रीय क्षितिज पर, हो सके तो अंतर्राष्ट्रीय क्षितिज पर बिखेरने का प्रयास करूंगा। और हमारे ऊपर जो कुछ धब्बा लगी हुई है उसको दूर करने का प्रयास करूंगा। साथ ही साथ और सारी, जैसे अभी नेक का है तो मेरी यह भी प्राथमिकता होगी कि आज तक नेक से हम लोग मूल्यांकित नहीं हो पाए, उससे हम लोग मान्यता नहीं प्राप्त कर सके। मैं प्रयास करूंगा आप सबों के सहयोग से, अपने हम शिक्षकों, छात्रों, कर्मचारियों और पदाधिकारियों सबों के सहयोग से, विश्वविद्यालय के सहयोग से, कि नेक के कार्यों को यथाशीघ्र पूरा करूं ताकि हमारे विश्वविद्यालय का विकास हो। दूसरी प्राथमिकता, अभी हम लोग जान रहे हैं अभी वैश्विक संकट चल रहा है, यह केवल भारत ही नहीं पूरे विश्व का, यह कोरोना महामारी जैसे संकट है, इसमें जरूर हम लोग कुछ परीक्षा के दृष्टिकोण से, पढ़ाई के दृष्टिकोण से थोड़ा पीछे पड़ गए हैं, जो हमारी लाचारी भी है, मजबूरी भी है और बाध्यता भी है, तो अब पीछे पड़े हैं, लेकिन अब धीरे धीरे वह दूर हो रहा है। और हम, मैं प्रयास करूंगा कि परीक्षा को नियमित करूं, साथ ही साथ पढ़ाई तत्काल यदि वर्ग कक्ष नहीं भी हो तो कम से कम मैं यह प्रयास करूंगा कि ऑनलाइन टीचिंग हमारा व्यवस्थित चले, जिसमें जिसके लिए मैं पहले भी प्रयासरत था, पहले भी मैं वह काम कर रहा था, अब तो आप लोगों की शुभकामना से उसको और बखूबी निर्वहन करने का प्रयास करूंगा। और सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए यथाशीघ्र परीक्षा आयोजन का भी व्यवस्था करूंगा, यह भी मेरी एक प्रमुख प्राथमिकता होगी। साथ ही सत्र नियमितीकरण अभी सबसे बड़ी समस्या है, तो ये परीक्षा संचालन, पठन पाठन और परीक्षा फल प्रकाशन के उपरांत मैं तत्काल लग रहा है कि सत्र हम लोग नियमित करने में सफल हो सकेंगे। मैं पूर्व में यहाँ परीक्षा नियंत्रक के रूप में भी 7 वर्षों तक काम किया आप लोगों की शुभकामना से, और वो 7 वर्ष में एक भी स्टूडेंट एजिटेशन नहीं हुआ। जो परीक्षाएं इतनी विलंबित थी जब मैं योगदान किया था तो वह लगभग 5 साल 7 साल 6 साल पीछे परीक्षाएं चल रही थी, और दिन रात मेहनत करके उसको मैं सबों के सहयोग से पटरी पर लाया और सत्र नियमितीकरण किया था। वह अनुभव मेरे पास है और आप लोगों की शुभकामना से उस अनुभव का लाभ अब मैं इस मिट्टी को देने का प्रयास करूंगा। सत्र नियमित होगा। अभी फिलहाल हमारे अतिथि व्याख्याता शिक्षक भी इधर फिलहाल धरना पर बैठे हुए थे, हमको भी एक दो दिन जाना पड़ा रजिस्ट्रार साहब के साथ कि उस धरना को तोड़वाने के लिए, वह तोड़वाया। लेकिन अब हमको लग रहा है कि अब तो चूंकि अतिथि शिक्षक के नियुक्ति में भी मेरी भूमिका थी निदेशक नियुक्ति कोषांग के रूप में, जिसमें मुझे बहुत मेहनत करना पड़ा, बहुत तरह की लांछनें लगी, लेकिन आज सभी अतिथि शिक्षक पूरे खुशहाल हैं, खुश हैं, जिनको कहीं भी किसी भी बैकडोर का इंतजाम नहीं करना पड़ा, कोई भी मने वह दुराव छिपाव वाला रास्ता नहीं अपनाया, और पूरे पारदर्शिता के साथ ईमानदारी पूर्वक बिना किसी को एक पैसा लगे, आप पूछ सकते हैं डंका की चोट पर मैं कहूंगा कि हमारे अतिथि शिक्षक 196 हैं, सबों को आप पूछ सकते हैं कि कितनी पारदर्शिता पूर्वक और कितनी निष्ठा पूर्वक और कितनी पवित्रता पूर्वक ईमानदारी के साथ उन लोगों की नियुक्ति हुई, और आज उन लोगों के भुगतान का लगभग लगता है आदेश हो चुका होगा, रजिस्ट्रार साहब बताएंगे, आदेश हो चुका होगा हमारे माननीय पूर्व कुलपति के द्वारा, नहीं होगा तो उसकी व्यवस्था की जाएगी और अति शीघ्र उसका निष्पादन किया जाएगा। साथ ही पीएचडी धारक अभी महामहिम कार्यालय द्वारा, यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन के द्वारा नियुक्ति हेतु विज्ञापन प्रकाशित होने वाला है, और सुन रहे हैं कि आज शायद प्रकाशित भी हो गया, आज समय की व्यस्तता के कारण मैं देख नहीं सका, तो वह उसमें भी परिनियम बदल गया है जिसमें पीएचडी के लिए 5 पॉइंट सर्टिफिकेट निर्गत करना है, जिसमें या तो रजिस्ट्रार सिग्नेचर करेंगे, सिग्नेटरी होंगे, अथवा डीन होंगे।
तो उसके लिए भी एक फॉर्मेट हम लोग तैयार कर लिए हुए हैं, हमारे पीआरओ साहब हैं उन्होंने उसको तैयार किया है, और जो एकेडमिक सेक्शन के डिप्टी रजिस्ट्रार भी हैं तैयार कर लिए हैं, पूर्व हमारे शायद माननीय पूर्व कुलपति के द्वारा उसका अनुमोदन भी हो चुका है, तो वह भी जल्दी पब्लिश हो जाएगा और 5 पॉइंट सर्टिफिकेट बखूबी निर्गत होगा। चूंकि इसका भी मुझे यह अनुभव प्राप्त है कि संजोग से मैं डीन भी था, तो डीन भी था और डीन अभी तक हूँ, अब तो दूसरे को बनाऊंगा, लेकिन डीन के रूप में मैंने किसी भी स्टूडेंट को शिकायत नहीं दिया, जिसके लिए हमारे कुल सचिव कार्यालय, हमारे अकादमिक शाखा सभी लोग जान रहे होंगे कि मेरे सेक्शन में खास करके सोशल साइंस में किसी को 5 पॉइंट के लिए कहीं दरवाजा नहीं खटखटाना पड़ा, और बखूबी उन लोगों को नियत समय पर जो वादा किए थे उस दिन दिया, और प्रयास करूंगा। अब तो सब आप लोगों की दया से हाथ में ही है, तो सबको मैं नियत समय पर ही दूंगा और इसमें कोई कमी नहीं होगी, यह भी एक प्राथमिकता है। साथ ही अभी हमारे, चूंकि आज मैं आ रहा था, हमारे बहुत सारे सेवानिवृत्त शिक्षक एवं कर्मचारी हमको रास्ते में घेरे और समस्या बताने लगे, मैं तब योगदान भी नहीं किया था, मैंने कहा कि मैं भी इसी धरती का बेटा हूं, इसीलिए अब मैं सबको व्यक्तिगत रूप से जानता हूं, कहीं किसी को कठिनाई नहीं होगी और कहीं आप लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी, मैं यदि रहा तो आप लोगों का सारी समस्याओं का मैं समाधान करूंगा। एक आध दिन तो हमको भी समझना पड़ेगा, वैसे मैं विश्वविद्यालय के प्रत्येक गतिविधि से परिचित हूँ, प्रत्येक और संजोग से मुझे एक जगह काम करने का मौका मिला है, मैं चाहूंगा उस अनुभव का लाभ लेते हुए और यहाँ के हमारे विश्वविद्यालय परिवार का सहयोग लेकर उसका समाधान यथाशीघ्र करने का प्रयास करें। हमारे नवनिर्मित नॉर्थ कैंपस जो हमारे स्नातकोत्तर का केंद्र बिंदु है, जहाँ स्नातकोत्तर की शिक्षा दी जाती है, हमारे स्नातकोत्तर के सभी वरीय प्राध्यापक वहाँ रहते हैं, वहाँ भी कुछ समस्याएं हैं, जो चूंकि मैं भी पीजी का ही टीचर था, पीजी का ही मैं प्राध्यापक था, तो मुझे और पीजी हेड के रूप में भी हम मुझे 7-8 वर्षों तक काम करने का अवसर प्राप्त हुआ, इसीलिए मैं पीजी की भी सारी समस्याओं से बखूबी परिचित हूँ, मैं निश्चित रूप से उसे भी समाधान करने का प्रयास करूंगा। साथ ही अभी पीएचडी कोर्स वर्क, अभी चूंकि वैकेंसी अभी आ रही है जिसमें पीएचडी पर बहुत 2009 के रेगुलेशन के तहत पीएचडी करने वालों के लिए बहुत सुनहरा अवसर है, मैं चाहूंगा पीएचडी कोर्स वर्क भी यथाशीघ्र मैं उसके लिए परीक्षा नियंत्रक को बुला करके मैं विमर्श कर लेता हूं और बहुत जल्दी उसको भी, चूंकि पीएचडी कोर्स वर्क में बहुत कम ही छात्र हैं, मुझे सोशल एसओपी मेंटेन करते हुए परीक्षा लेने में कोई भी असुविधा नहीं होगी, इसीलिए वह परीक्षा भी जल्द आयोजन किया जाएगा। और पैट 2020 यह भी हम लोगों की प्राथमिकता में एक महत्वपूर्ण चीज है, क्योंकि पैट परीक्षा भी आयोजित किया जाना है, इसमें पैट परीक्षा भी आयोजित किया जाना है, इसके लिए भी हम लोग तैयारी में लगे हुए हैं, जिसमें हमारा परीक्षा विभाग, हमारा कुल सचिव कार्यालय, अकादमी शाखा सब लोग हम लोग मिलजुल करके उसको करेंगे, और लगता है पैट परीक्षा भी बहुत जल्दी घोषित हो जाएगा। एक आध दिन तो हमको समय चाहिए, कम से कम एक आध दिन के अंतर्गत मैं सब देख लेता हूँ। इसके बाद है नॉर्थ कैंपस में कैंटीन पुलिस चौकी बनवाने, यह तो वित्तीय मामला है, इसमें हमारे एफए साहब बहुत प्रबुद्ध हैं, हमारे एफओ साहब प्रबुद्ध हैं, मैं कुल सचिव एफए साहब इन लोगों से विमर्श करके इसकी क्या योजनाएं हैं, क्या पूर्व में योजनाएं थी, क्या कहीं से कुछ इसके लिए निर्गत आया है अनुदान कि नहीं, तो सब का जानकारी लेकर के, तो उसमें तो समय चाहिए, या फिनांशियल मैटर है, इसको समय जान करके इसको सब चीज समझ बूझ के मैं वहाँ यह भी नॉर्थ कैंपस में कैंटीन और पुलिस चौकी की व्यवस्था भी सुनिश्चित करूंगा, यह भी मेरी प्राथमिकता में है। साथ ही साथ अंत में मैं यह कहूंगा कि विश्वविद्यालय में छात्र जो है वही हमारी संपत्ति होती है, वही हमारी पूंजी होती है, वही हमारी कुंजी होती है,
और वही देश का भविष्य होता है, समाज का भविष्य होता है और राष्ट्र का भविष्य उनके ऊपर निर्भर करता है। किसी भी परिवार, किसी भी समाज का गर्व वहाँ का छात्र होता है। मैं भी एक छात्र था और मैं कल गांव गया था, गांव के लोग इतने खुश हुए हमको देख करके, लग रहा था कि अब वहाँ पर तो सब बड़े बड़े लोग, कोई चाचा कोई मामा, मन इस तरह से सब खुश हुए कि लगा कि चलिए थोड़ा सा मेरा जीवन इन लोगों के कृपा से सार्थक। तो इसीलिए छात्र जो है वह हमारी पूंजी होती है, कुंजी होती है, और मैं चाहूँगा उस छात्र को संस्कारित करूँ। शिक्षा तो दी, शिक्षा देने का तो प्रयास करूँ ही, परीक्षा पास करना भी है, और अभी सत्र जो विलंबित है तो तुरंत तुरंत एग्जाम भी लेना है, तुरंत तुरंत परीक्षा लेना है। तो इसमें परीक्षा का आयोजन, पठन पाठन की सुदृढ़ीकरण और छात्र के सर्वांगीण विकास का प्रयास मेरी प्रथम, मैंने अंतिम अंतिम नहीं, प्रथम और अंतिम प्राथमिकता होगी। छात्र ही हमारे धरोहर हैं, छात्र ही विश्वविद्यालय का धरोहर है, छात्र ही विश्वविद्यालय का संपत्ति है। छात्र के समस्याओं के आगे मैं किसी से भी कंप्रोमाइज नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे इसका भी अनुभव है। मैं 7 वर्षों तक कंट्रोलर रहा और छात्र की बहुत जानबे करते हैं, आज की परीक्षा पद्धति में इतनी समस्याएं रहती है, लेकिन छात्र को कभी भटकना नहीं पड़ा, क्योंकि मैं कंट्रोलर था। उठ करके हम सब जगह जाके अपने से यदि कहीं दिक्कत होती थी तो काम करवाता था। तो इस तरह का मैं पूर्व में क्या हुआ हूँ, यहाँ का, यहाँ की जनता इसके साक्षी है। कुल मिलाकर मैं चाहूंगा कि विश्वविद्यालय के शैक्षिक विकास के साथ साथ वहाँ का चतुर्दिक विकास हो, यहाँ का बहुमुखी विकास हो, यहाँ का सर्वांगीण विकास हो, और साथ ही साथ आज हमारे ऊपर, खास करके चूंकि यहाँ के मैं यहाँ जन्म लिया हूँ, यहाँ मेरा जन्मस्थल भी है, कर्मस्थल भी है, और यहाँ की बहुत लोगों का, कोसी प्रमंडल के जितने भी जनताएं हैं, सबकी आकांक्षाएं इतनी है हमसे कि मैंने किसी तरह से विश्वविद्यालय को विकास की पटरी पर दौड़ावे। मैं निश्चित रूप से उन लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने का भरसक प्रयास करूंगा, जिसमें उन लोगों का भी सहयोग, हमें सबों की सहयोग की भरपूर अपेक्षा है, और मैं चाहूंगा कि उन लोगों का सहयोग मिले, मैं विश्वविद्यालय को एक नए मुकाम दूं। चूंकि एक आध और बात है, मैं डेवलपमेंट अफसर था, तब तक विश्वविद्यालय कोसी प्रोजेक्ट में चलता था, और संजोग से हमको ऐसा काम मिला कि विश्वविद्यालय जमीन अधिग्रहण करने का, तो मैं वहाँ 106 एकड़ उस समय माननीय कुलपति हमारे कमिश्नर साहब हुआ करते थे, और उस कमिश्नर साहब के सहयोग और हमारे मेहनत और हम सबों के सहयोग से 106 एकड़ जमीन अधिग्रहण कराया, जिसमें आज कुछ मेडिकल कॉलेज को मिला है और कुछ इंजीनियरिंग कॉलेज को भी मिला है। 106 एकड़ जमीन अधिग्रहण कराने में हमको दिन रात मेहनत करना पड़ा, और आज वह जमीन लहलहा रहा है, वहाँ पर नॉर्थ कैंपस चमक रहा है, वहीं पर आज मेडिकल कॉलेज है, वहीं पर आज इंजीनियरिंग कॉलेज है। इतना ही नहीं, यह कैंपस जहाँ अभी हम सब लोग बैठे हुए हैं, यह कोसी प्रोजेक्ट कथापुर में, और आज यह कोसी प्रोजेक्ट हमारा अपना है, हमारा विश्वविद्यालय का, और इसको हस्तांतरित कराने में मुझे माननीय राज्य सरकार का बहुत सहयोग मिला। राज्य सरकार से सहयोग लेकर मैं इसे भी हस्तांतरित कराया, और वहां पर माननीय कुलपति के प्रतिनिधि के रूप में मुझे ही भेजा गया, और मेरा हस्ताक्षर आज भी बिहार सरकार के कागज पर होगा जहां इसको हस्तांतरित किया था। मैं डेवलपमेंट अफसर के रूप में उस समय में कार्य कर रहा था, इसीलिए आज वह चमक रहा है तो हमको आंतरिक खुशी हो रही है। साथ ही साथ हमारे जितने भी कॉलेज हैं, चूंकि मैं प्रधानाचार्य भी रहा और 3 साल तक बखूबी निर्वहन किया, और हमारा कॉलेज जो यहाँ का स्थानीय टीपी कॉलेज है, जिसके मैं छात्र भी था, जिस समय मैं योगदान किया उस समय में वह यूजीसी के पोर्टल पर ब्लैक लिस्टेड था। मैं उसको दूर करने के लिए मुझे 1 साल मेहनत करना पड़ा, सारा यूटिलाइजेशन बनाना पड़ा, उसे दूर करके उसके बाद राज्य सरकार यूजीसी से लगभग 3.5 करोड़ रुपए मिला, और उसके बाद मैं वहां से हट गया। तो यह भी अनुभव मुझे प्राप्त है कि कॉलेज कैसे चलता है, कॉलेज में कहां घालमेल होता है, कॉलेज के शिक्षक कैसे क्या करते हैं, चूंकि मुझे
हमारा अनुभव है, मैं प्रयास करूंगा कि कॉलेज हमारा पटरी पर आवे, लेकिन अभी तो वही वैश्विक महामारी है, इसके बाद हम लोग देखते हैं उसको जितना होगा। मैं हम अपने कॉलेज को, स्नातकोत्तर विभाग को, जो हम लोगों का रीढ़ है, उसको सुदृढ़ करने का प्रयास करूंगा। साथ ही साथ मैं परीक्षा नियंत्रक के रूप में किसी भी विश्वविद्यालय को सुचारू रूप से चलाने के लिए छात्र की समस्या का समाधान ही आवश्यक होता है। उसका पठन पाठन, उसकी परीक्षा और उसका समय पर परीक्षा फल प्रकाशन, उसका अंक पत्र निर्गमन, उसका प्रमाण पत्र निर्गमन, यही प्राथमिकता होती है। और इसमें यदि कोई भी विश्वविद्यालय, कहीं का कोई भी विश्वविद्यालय यदि सफल हो जाए तो शायद हमको लगता है विश्वविद्यालय की आधी से अधिक समस्याएं समाधान हो जाती है। बाकी समस्याएं फिनांशियल है, जहां लोगों को ललक होती है, कोई भी संचिका क्यों पेंडिंग पड़ी रहती है, उसके पीछे अदरवाइज लोगों का अपेक्षा होता है, जिसको मैं बखूबी जानता हूं, और मैं भी संचिका का निष्पादन किया हूं और ससमय किया हूं और करता आ रहा हूं, इसीलिए संचिका के निष्पादन में भी कहीं कोई कठिनाई नहीं होगी। अंत में अब एक दिन में मैं कितना, आज तो योगदान ही लिया हूं, एक दिन में मैं कितना कहूं, फिर भी आज समस्या जो है वह समाधान का अग्रणी होता है। कोई भी समस्या जो है वह समाधान का अग्रणी होता है। समस्या आती जाएगी, हम लोग मिल बैठ के समाधान करते रहेंगे। और आप लोगों से अनुरोध है, क्योंकि मीडिया कर्मी जो है वे समाज के सशक्त वर्ग हैं, और आप लोगों से मेरा विनम्र अनुरोध है कि थोड़ा पानी पी लेते हैं, पी लिए हो गया। हाँ, आप लोग मीडिया कर्मी हमारे लिए माननीय हैं, सम्माननीय हैं, और आप लोग समाज के धरोहर हैं। समाज को जिस दिशा में आप लोग ले जाएंगे, मैं आप लोगों के लिए संदेश दे रहा हूँ। अपने बारे में तो जितना हुआ, विश्वविद्यालय के बारे में जितना हुआ, हमारे शिक्षक के बारे में जितना हुआ बोल ही दिया। मैं खासकर अब एक अभिभावक होने के नाते, आपके बड़े भाई होने के नाते, एक चाचा तुल्य मेरा उम्र होने के नाते, मैं आप लोगों को संदेश दे रहा हूँ कि विश्वविद्यालय के विकास में आपकी अहम भागीदारी होगी। और आप यदि सकारात्मक दृष्टिकोण में यदि काम करेंगे, विश्वविद्यालय का नाम होगा, विश्वविद्यालय को सम्मान मिलेगा। और यदि मान लिया जाए हमारे कर्मचारी, हम ही से, हमारे पदाधिकारी से कोई गलती भी होती है, तो आप उसको सुधरवाने का प्रयास करें, लेकिन उसको सार्वजनिक रूप से नहीं। यदि वैसी कोई गलती है हमको सीधा कंप्लेन करें, मैं उसका समाधान कर लूंगा। लेकिन सार्वजनिक स्तर पर छवि को धूमिल करना, यह हम लोगों के लिए सौभाग्य वाली बात नहीं है, वह दुर्भाग्य वाली बात होती है। चूंकि मैं भी इसका शिकार हो चुका हूं, हमारे कुल सचिव भी शिकार हुए हैं, हमारा विश्वविद्यालय भी शिकार हुआ है। इसीलिए मैं आप लोगों से यह एक विनम्र संदेश दे रहा हूं कि आप लोग विश्वविद्यालय के लिए सकारात्मक प्रयास करें, और यदि कोई कमियां आपको नजर आवे तो पहले हमसे मिले, हमको कहें, हमारे रजिस्ट्रार साहब से मिले, हमारे एफए साहब से मिले, जो भी संबद्ध जो पदाधिकारी हैं। यदि समाधान नहीं करता है तो आप तो स्वतंत्र हैं, कुछ भी छाप सकते हैं, और यह प्रजातंत्र है, उसके बाद आप छापने के लिए स्वतंत्र है। इतना तो अनुरोध मेरा जरूर रखिएगा, और विश्वविद्यालय की छवि को सुधारिए, यह आपकी जिम्मेवारी है। हमारी तो है ही, लेकिन आपकी जिम्मेवारी कम नहीं है, आप जिम्मेवारी से भाग नहीं सकते हैं। इसीलिए हम सब मिलकर इस विश्वविद्यालय को सुधारें, यही। और दूसरे दिन फिर हम लोग बात करेंगे। अंत में मैं बाबा सिंहेश्वर की धरती को पुनः नमन करता हूं, और हम अपने विश्वविद्यालय के सभी कर्मचारी, पदाधिकारी, शिक्षकों के प्रति, जनता के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ आज आप लोगों को बहुत बहुत पुनः शुभकामना। गला की अपने जैसे तुरंती है, क्या ठीक रहा सर? एक नंबर। चलिए आप लोग सहयोग दीजिए, पुनः मैं कह रहा हूँ, अब मैप खोल करके, अब तो मैप पर नहीं आ रहा, सहयोग दीजिए और सकार